फर्जी शादी कर नकदी व आभूषण ले जाने वाली लुटेरी दुल्हन के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुआरसी पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें ये मामला थाना कुआरसी इलाके का है, जहां बीते दिनों 2 युवकों के साथ शादी कर दुल्हन घर से जेवरात और कैश लेकर फरार हो गई थी। उसके बाद पीड़ित दोनों युवकों ने पुलिस को अवगत कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी और कार्रवाई के दौरान सबसे पहले शादी कराने वाले बिचौलिया को गिरफ्तार किया गया, जिसे पूछताछ में इनके गिरोह का नाम प्रकाश में आया और पुलिस ने अपनी जांच में दुल्हनों की तस्वीर आसपास के जिलों में भेज दी थी और दुल्हन की तस्वीर और वीडियो वायरल होने के बाद पलवल पुलिस ने संपर्क किया कि उनके जिले में भी शादी हुई है और जिसकी शक्ल अलीगढ़ में हुई शादी वाली दुल्हन से मिल रही है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और जब देखा तो ये वही दुल्हन थी जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था और तुरंत पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और उसे पूछताछ शुरू कर दी और पूछताछ के बाद अन्य 6 लोगों के नाम सामने आए और पुलिस ने सभी को मेहराबल स्टेशन के पास से दबोच लिया। पुलिस अनुसार बताया गया है कि गिरोह उन पुरुषों को निशाना बनाता था जिनकी शादी नहीं हो पाती थी या उम्र अधिक हो जाती थी, जिसमें 3 आरोपित बिचौलिया और रिश्तेदार बनकर अपनी पत्नी को ही दुल्हन बनाते थे और शादी कराने के बाद दुल्हन ससुराल से आभूषण नकदी लेकर फरार हो जाती थी। जानकारी में ये भी सामने आया कि ये गिरोह अब तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में 12 शादियां रचा चुका है। फिलहाल पुलिस ने फर्जी शादी करने वाली लुटेरी दुल्हन के गैंग का पर्दाफाश कर दिया है और 7 लोगों को गिरफ्तार कर अन्य कुछ संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपितों से लाखों के आभूषण और नकदी, साथ ही मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। अब पुलिस आगे की अग्रिम कार्रवाई करते हुए कार्रवाई में जुट गई है। फर्जी शादी कर नकदी व आभूषण ले जाने वाली लुटेरी दुल्हन के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुआरसी पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मानव बंसल। मानव बंसल जी, बताओ आपकी शादी किस तरह से हुई, कहाँ आपकी मुलाकात हुई, कौन बिचौलिया था, क्या हुआ? हमारे घर के पास रहती थी कमलेश गुप्ता नाम से, उसने मुलाकात करवाई थी आपके बबलू और पुष्पा, बबलू से मुलाकात करवाई थी, बबलू ने मुलाकात करवाई पुष्पा देवी से, पुष्पा देवी ने मुलाकात करवाई फिर हमारी प्रदीप से कि एक लड़की है, उसने हमें चामुंडा देवी मंदिर बुलाया दशहरा के पास 14 तारीख को कि लड़की देख लीजिए, हम लोग यहाँ से गए हैं, पापा मैं और भी दो तीन जने थे, वहाँ जाके लड़की पसंद आई, उन्होंने तुरंत वहीं पर शादी करवा दी, मतलब बात ऐसी करी कुछ कि हमने की लड़की का घर बार, तो बोले कि आप पहले शादी कर लो और खोड़े चलना, आपको घर मकान सब दिखा दूंगा मैं, ये कह के शादी हो गई है, लड़की विदा होकर घर आ गई है और 16 तारीख को, 14 को शादी हुई है, 16 तारीख को मेरी वो जो पत्नी थी वो बोली है कि हमारे एक दिन घर जाने का रिवाज है, खुर्जा जाना है मुझे, तो उसने अपने भैया को कॉल किया है, वो बोले कि हम शाम को आ रहे हैं, उन्होंने कही थी कि हम 4-5 बजे तक आ जाएंगे, 4-5 बजे तक नहीं आके वो आए 10:30 बजे रात को, 10:30 बजे आके पापा मम्मी ने खूब मना करी है तब वो नहीं माने कोई भी, वो उसको ले गए हैं, अगले दिन बोले कि आप एक काम करो, या तो वो मुझे भी संग लेके जा रहे थे कि आप भी हमारे संग चलो रात को और सुबह विदा करा के ले जाना, अब उनका जो भी मकसद रहा हो मुझे ले जाने का घर वालों ने मना कर दिया, फिर अगले दिन बोले कि अच्छा एक काम करना आप सुबह भेज दीजिएगा, सुबह हम इनको विदा कर भेज देंगे, तब सुबह मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कही कि मेरे भैया आ रहे हैं और भैया को लेके भैया के संग आ जाना, जब फिर मैंने आधे जब वो नहीं आए हैं घर तो मैंने आधे घंटे बाद फिर फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने मोबाइल सबके बंद, नेहा को फ़ोन किया उसका बंद, उसकी भाभी को गया सबके मोबाइल बंद, भैया भाभी के कोई नहीं आया, मुझसे पहले 16 तारीख को एक मेरे गली के पीछे लड़का है उसकी शादी हुई थी दूसरी लड़की से, उसी मंदिर में इन्होंने ही कराई थी, बबलू ने और पुष्पा और बाकी के सब जो ये प्रदीप वगैरह सब इन्होंने, तो वही थी? नहीं वो दूसरी थी लड़की। अच्छा, इसमें 3 लड़की पकड़ी गई है, एक उसकी भाभी है, 2 पंडित कहाँ से लाते थे? पंडित उस चामुंडा देवी मंदिर में पंडित वहाँ पे हो जाता अरेंजमेंट तुरंत मिल जाता। हाँ हाँ, वो जो वहाँ पे मेरा से 2 या 3 पंडित हैं वो वहाँ से बुलवा लेते हैं, तो वहाँ शादी करवा देते हैं वो। कितना माल चला देना? तो 16 तारीख को जब मेरी रात को विदा हो गई है, 17 तारीख को ये अपनी पत्नी को ब्यूटी पार्लर लेके गया दूसरा बंदा, वहाँ से वो अचल पैसे वो भाग गई है गाड़ी मोटरसाइकिल से उतर के, वहाँ से उतर के भागे, फिर हमने पूरी ढूंढ की है और सबको फ़ोन बुलाया सबको स्विच ऑफ, तो हमें मालूम पड़ा कि कुछ है, तो किसी ने हमें वो जब पुष्पा देवी और हमने बबलू को बुलाया तो उन्होंने हमें मालवीय पुस्तकालय का नाम लिया है कि वहाँ प्रदीप वहाँ रहता था, हो सकता है पूरा गिरोह वहीं से चल रहा हो ये मालवीय पुस्तकालय से, फिर हम मालवीय पुस्तकालय गए तो वहाँ पे एक लेडीज थी उन्होंने, और इनके नंबर बिल्कुल चालू रहे हमेशा, कभी नंबर बंद नहीं हुआ, या तो ये गिरोह है कि नंबर बंद कर लिया कुछ नहीं, नंबर कंटिन्यू चालू रहे आज कल तक, जो इनके नंबर हमें दिए गए थे वही नंबर चालू थे। कौन रहता है मालवीय पुस्तकालय में, कौन आदमी रहता है? लेडीज है वहाँ पे, लेडीज बताई थी जिससे हम मिले थे, नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेडीज थी।
अच्छा एक चीज बताइए मेरे को, तुम्हारे घर से कितना सामान ले गई थी? ये तो घर वालों को ज्वेलरी मालूम है, और 80-80 हज़ार रुपये हमने बबलू को दिए थे शादी कराने के, बाकी ज्वेलरी घर वालों को मालूम है। दूसरी शादी कितने रुपए में हुई थी? वो भी 80 हज़ार दिए थे। अच्छा हाँ, उसमें भी ज्वेलरी लेके गई है वो। अच्छा, और कल पलवल से उठाई एक लड़की, क्योंकि रात को जो हमें मालूम पड़ी कि ये टीम जाएगी, टीम ने हमें अवगत कराया, हम यहाँ आए, यहाँ से गाड़ी में करके गए। एक लड़की सबसे पहले जो मुझसे मेरी शादी हुई थी, इसकी शादी हो गई थी दूसरी जगह, वहाँ से पलवल से ये उठाई है इसने। फिर एक लड़के का संजू था, उसका पता दिया, उसने पता दिया है ड्राइवर का, इको वाला जो था वहाँ पर। फिर ये दूसरी लड़की जो शादी हुई थी 16 तारीख को, वो लड़की वहाँ से बरामद हुई है ईको में, ड्राइवर और वो, उसने पता बताया जो मेन सरगनाइज का प्रदीप, उसका वहाँ से प्रदीप मिला, एक सोनू मिला, एक अंजलि मिली है, तीनों। तभी 7 बजे फिर रात को आए गए यहाँ पे 4:15 बजे। झांसा देकर के घर से सामान लेकर चंपत हो जाती थी, किस तरीके का घटना था, कितने लोग पकड़े गए? इसमें थाना कुआरसी और अलीगढ़ पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया, जिसमें हमारे 18 तारीख को थाना कुआरसी क्षेत्र में एक FIR रजिस्टर हुई थी, जहाँ पे एक नवविवाहित दुल्हन अपने घर से काफ़ी जेवरात वगैरह लेके और लापता हो गई थी। तो इसकी जांच पड़ताल की गई, इस पर एक स्पेशल टीम गठित की गई, और अगले ही दिन हमने 2 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया था। उसके बाद से ही टीम पूरे गैंग का खुलासा करने में लगी हुई थी, और कल इस पूरी कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि यह एक गैंग जिसमें 7 लोग हमने और अरेस्ट किए हैं, जो कि एक अंतर्राज्यीय, एक अंतर जनपदीय एक गैंग चला रहे थे, जिसमें ये लोग अविवाहित पुरुषों को चिन्हित करके उन्हें निशाना बनाकर और उनसे बिचौलियों का रोल अदा करके और रिश्तेदारों की भूमिका निभाते हुए आपस में ही उनसे शादी पूरी विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे, और 2 से 3 दिन में ही बहुओं को लेके और लड़कियों को लेके उनकी वही रिश्तेदार आते थे और उनकी विदाई करके वहाँ से निकल जाते थे। और ये सब जो यही काम इन्होंने कई जगहों पर किया है, और अलग अलग नाम, अलग अलग फर्जी ID, आधार कार्ड, पहचान पत्र और अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हुए किया। पीछे का मोटिव यही है कि जो अविवाहित पुरुष हैं, जो इनोसेंट जो बैचलर्स हैं, उन्हें फंसा कर उनसे शादी करके और शादी में जो जेवरात और नकदी और जो भी हासिल हो सके वो सब लेके वहां से फरार हो जाना, और उस प्रोसीड्स को, जो क्राइम का जो प्रोसीड है, उसको आपस में बांट लेना। एक सवाल पहले यहाँ देखिए, अभी तक की जो हमारी जांच और इंटरोगेशन में हमें लगभग 10 से 12 की शादियां जो इन्होंने की है, इन्होंने खुद कबूला है, और इस बात की हमें अभी जांच और पुष्टि करने के लिए अभी और जांच करनी पड़ेगी। हालांकि 10 से 12 इन्होंने खुद भी कबूला है। इन पर एज अ गैंग तो अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इन गैंग मेंबर में एक मेंबर है जिसमें जवां में एक मुकदमा दर्ज है और एक मुकदमा और दर्ज है। टोटल 2 मुकदमे, प्रदीप नाम का एक व्यक्ति है जिसपे 2 मुकदमे दर्ज है, और बाकी एज अ गैंग इन पर अभी तक कोई और मुकदमा दर्ज नहीं है। पहली कार्रवाई जो हम बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कितना माल बरामद हुआ, माल कितना बरामद हुआ है? माल इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं अदद जो पीली धातुएं, जो सोने की चेन, अंगूठियां, बिछियां, झुमकियां और शादी में प्रयुक्त होने वाले मंगलसूत्र, कई इस तरह की चीज़ें बरामद हुई। उसी के साथ नकदी और कई मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड वगैरह भी बरामद हुए। लड़कियां क्या सर झारखंड की भी हैं जो शादी के लिए तैयार कराई जाती थी? इसमें एक लड़की है जिससे पूछताछ पे ये पता चला कि वह मूलतः रहने वाली रांची झारखंड की, हालांकि वो कई सालों से यूपी में ही बसी। अभी तक की जो हमारी जांच पड़ताल है उसके हिसाब से हमने आपको बता दिया कि हमने अभी तक टोटल इसमें 9 लोग अरेस्ट कर लिए हैं। 2 को हमने पहले जेल भेज दिया था, 7 को हम और जेल भेज रहे हैं, और आगे की जांच पड़ताल में विवेचना में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। अच्छा, एक सवाल है, जैसे पहले 2 लोग जेल चले गए, उसके बाद पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई में लग रही है, और कल इसमें जो है कहीं आपको बड़ी सफलता मिली, पूरा गैंग पकड़ा गया, जो लोग अब जेल चले गए, क्या उनसे पूछताछ के लिए क्या पुलिस आगे रिमांड पे ले सकती है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी सूचना मिलते ही तुरंत हमारे SHO कुआरसी साहब ने FIR रजिस्टर करके और IO आशीष ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए जैसे पूरी इस गैंग को पकड़ा। अब इसमें इसके प्रकाश में हमारे पास जो सूचनाएं अब अवेलेबल है उसके आधार पर हम इस विवेचना को आगे बढ़ाएंगे, और अगर पहले के भेजे हुए लोगों को अगर इन धाराओं में तलब करना होगा हम वो भी करेंगे। जो भी इसमें बेसिकली विवेचना प्रचलित है और जो भी कार्रवाई कानूनी करनी होगी। जी जी, इसमें
जैसा कि आप लोगों को पहले से ही ज्ञात है कि दो जो बिचौलिया जो वादी ने हमें पहले भी नामित करके दिए थे उन्हें हमने पहले ही पकड़ लिया है। और इसमें जो ये मेंबर्स हैं ये बिचौलियों का रिश्तेदारों का आपस में अपनी भूमिका अपने रोल बदल बदल के अदा करते रहते हैं। और भी जो लोग और एक रैकेट पकड़ा गया है जो कहेंगे लोगों को झांसे में लेके उनसे पैसा एक्ट की शादी करके और ये लोग कहेंगे माल लेके भाग जाते थे, क्या आप समाज को क्या आगाह करेंगे इस तरह के लोगों से, किस तरह सावधानी रखेंगे, क्या करेंगे? देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समाज में आजकल अनेकों तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और यह फ्रॉड भी उसमें से एक तरह का फ्रॉड है और हमें काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। अगर हम इस तरह से रिश्तेदारी में और शादी ब्याह के मामलों में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पूरी तरह उनकी जिनसे हम ये संबंध बना रहे हैं उनकी पहचान करवानी चाहिए। अगर हो सके तो लोकल थाना, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो आधार कार्ड, उनके जो पहचान पत्र है, जो ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट इशूज़ है, आप उन्हें भी वेरीफाई करवाएँ। आप कई तरहों से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, आप चाहें तो लोकल जो थाना पुलिस जहाँ पे वो जनरली मुझे लगता है ये समाज में हर पहले भी हुआ करता था और अभी भी होता है पर कभी कभी अगर इस तरह की चूक हो जाती है तो हमें फिर इस तरह से बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये जो पकड़े गए हैं ये पति-पत्नी हैं, ये क्या पति-पत्नी हैं? हाँ, इसमें से ये सामने आ रहा है कि तीन लोग, इसमें तीन जोड़े जो हैं वो सामने आए कि आपस में ये पति-पत्नी हैं। हालांकि इसमें ये भी अभी जाँच का विषय है क्योंकि एक और इन्फॉर्मेशन आई कि पहले इनकी और भी शादियाँ हो रखी, तो ये पूरा जाँच का विषय आगे सभी चीज़ें विवेचना में प्रकाश में आएंगी। जी बिल्कुल, इसमें अभी जो ये गैंग हमें मिला है और हमें अलीगढ़ के और भी थानों में हमने पता करवाया कि इस तरह का अगर और कोई प्रकरण होगा हम बाकी के विवेचकों बाकी के थानों को भी इन्वॉल्व करेंगे और जो विवेचना में और भी जो भी तथ्य सामने आएंगे और अगर ये गैंग बड़ा होगा तो इसे और जितने लोग हैं सभी को चिन्हित करके जितनी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जा सकती वो की जाएगी। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए ET News India, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।